हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मेरे साथ में है जीप रैंगलर रूबीकॉन। इस गाड़ी को अगर आप लोगों को परचेस करना है तो पे करने पड़ेंगे 70 लाख रुपीस। अगर 70 लाख रुपीस पे करते हो तो क्या स्पेशल मिलता है? स्पेशल ये है कि इस अर्थ पे आप इस गाड़ी के साथ में कहीं पर किसी भी टेरेन पे जा सकते हो, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जहां पर इसकी हार्डकोर ऑफरोडिंग बताई जाएगी। बट हाल फिलहाल में क्या इतनी बड़ी गाड़ी जो कि 16 फिट लंबी है, 6 फिट चौड़ी है, 9 फिट उसका व्हील बेस है, इसको सिटी ट्रैफिक में चलाना आसान है? हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंफर्ट कैसा है, फीचर्स क्या क्या ऑफर करती है, तो आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं डिटेल प्रैक्टिकल रिव्यू। Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Ain't never gonna look back, never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Start karte hain front design se. Yahan par aap logo ko ye ट्रेडिशनल ग्रिल मिल जाती है। उसके बाद में ये जो हेडलैम्प्स हैं वो एलईडी परफॉर्मेंस हेडलैम्प दिए गए हैं। रात में इनके थ्रोस काफ़ी ज़्यादा हैं और चलाने में फुल कॉन्फिडेंस आपको ऑफर कर दी है गाड़ी। अगर आपको ट्रिपल डिजिट भी करना है और अगर आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं तो आप लाइट की जो लेवलिंग है उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बोनेट को जो है ओपन करके बता देता हूँ। बोनेट ओपन करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क, आपको पुराने लाइक ये फॉर्मेट से ओपन करना पड़ता है। ओके, इसको आपको यहाँ पर लगाना है और ये है 2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि चर्न आउट करता है 268 हॉर्स पावर और 400 Nm ऑफ टॉर्क। इंसुलेशन प्लेट यहाँ दी गई है, आसपास भी इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है और इंजन की आवाज़ अंदर कैबिन में बहुत ही कम आती है। लाइक वो सब चीज़ें अपन NVH के बारे में ड्राइव वाले पार्ट में बात करेंगे। अभी इसको जो है देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो है वो लगाना पड़ता है और ये लॉक हो सकता है। बट एक चीज़ और बताते हुए चलूँ, अगर गाड़ी को कहीं अनसेफ जगह आप पार्क कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, बचें या फिर गार्ड पास में खड़ा करें, बिकॉज इसको आप अंदर से लॉक नहीं कर सकते हो। बोनेट कभी भी कहीं पर भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब देखते हैं कि साइड में आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं काफ़ी बड़े ऑल टेरेन टायर। ये 17 इंचेस के टायर्स दिए गए हैं। जीप की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है, स्टीरेग जीप यहाँ पर जो है वो बना हुआ मिलता है और टायर प्रोफाइल है 255/75R17। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आप लोगों को डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाते हैं। लाइक ग्राउंड क्लियरेंस वो 217 mm का है। जो गाड़ी है उसको आप लिफ्ट नहीं कर सकते हो। लाइक एयर सस्पेंशन का कोई ऑप्शन जीप रैंगलर में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। दूसरा लिफ्ट पार्ट गाड़ी के अंदर आता है, लाइक वो आप कंपनी से ले सकते हो। गाड़ी को लिफ्ट करोगे और टायर साइज बड़ी करनी है तो वो आप कर सकते हो। अगेन टायर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। व्हील आर्चेस आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, 3 काफ़ी बड़ी आप लोगों को यहाँ पर विंडोज़ मिल जाती है। गाड़ी की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, ऊपर आप लोगों को रूफ जो है वो फाइबर की मिलती है। डोर्स की थर्ड काफ़ी अच्छी है। डोर्स को अगर आपको निकालना है तो ये हिंजेस हैं, 2 स्क्रू को आप ओपन करेंगे, गेट को निकाल के आप पीछे रख सकते हैं, तो चारों गेट्स जो हैं वो गाड़ी के निकल सकते हैं। रूफ ओपन होती है, वो भी मैं आपको आगे करके बताने वाला हूँ। पीछे वाली जो रूफ है उसको भी आप हटा सकते हैं। अब देखते हैं पीछे से कि गाड़ी कैसी है। तो अगेन यहाँ से भी काफ़ी बड़ी है, बिकॉज जो चौड़ाई है वो गाड़ी की 6 फिट है, 6 फिट चौड़ी है ये गाड़ी। इसके गेट को कैसे ओपन करना है वो बाद में बताता हूँ। पहले देखो यहाँ पर कैमरा लगा हुआ मिलता है आपको और ये जो व्हील साइज़ है, अगर सपोज आपने इसको बढ़ाया तो ये जो स्टॉप माउंट लैंप है ये ऊपर या नीचे हो जाता है। तो इतना कंपनी ने ध्यान रखा है कि रैंगलर के ऑनर अगर स्टेपनी की साइज़ भी बड़ी करते हैं तो इसे वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वॉशर और वाइपर भी आपको मिलता है, डिफॉगर भी मिल जाता है। ओपन करते हैं, नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर और एक टोइंग हुक मिलता है। कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ था और इसको ओपन कर लिया। अब ये ओपन करा है तो आप लोगों को याद आ रही होगी महिंद्रा थार की। बट अगेन महिंद्रा थार ने ये चीज़ चुराई है जीप रैंगलर से कि ये इस टाइप से ओपन होती है। रैंगलर में पहले ये चीज़ आया करती थी और इस टाइप की ओपनिंग बूट सिर्फ और सिर्फ जीप ने पूरे वर्ल्ड में दी है। अभी लास्ट में ये देख लिया आप लोगों ने कि जो टेल लैंप है वो कैसा लगता है और यहाँ पर ये 200 of 1, लाइक 200 ही ऐसी गाड़ियाँ बनी है लिमिटेड एडिशन की जिसके अंदर ये बैच जो है वो आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर जो ये मैट्स दिए हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं, जीप की ब्रांडिंग है इसके ऊपर। और नीचे अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा लाइक आपको स्पेस मिल जाता है, इसमें आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह कुछ रखना हो, गाड़ी से रिलेटेड इन्फ्लेटर वगैरह लेके चल रहे हैं वो आप रख सकते हैं। फिलहाल ट्रायंगल यहाँ पर पड़े हुए हैं। कंपनी ने ध्यान रखा है कि आप अगर डोर्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप उनके स्क्रू रख सकते हैं, स्क्रू घूमे ना, ठीक है। इसको ओपन या क्लोज आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइक सामान आपको रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर रूफ ओपन करते हैं तो उसके स्क्रूज यहाँ पर रखेंगे। अगर आप विंडशील्ड ओपन करते हैं तो उसके भी स्क्रू आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसको हटाएंगे तो नीचे जो गाड़ी का जैक है उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लेट जो है वो काफ़ी हल्की है और यहाँ पर लॉक जो है वो
होती नहीं है प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद में, हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पर ये कुछ हुक्स दिए गए हैं, अगर आपको कुछ टाई करना है पीछे, कुछ बांध के लेके जाना है बड़ा लगेज, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी से ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं तो ऑफ रोडिंग करके जब वापस आएंगे तो ऑफ रोडिंग के लिए तो हवा निकालनी पड़ेगी आपको या कम करनी पड़ेगी, डिफ्लेट करना पड़ेगा टायर को। वापस इन्फ्लेट करने के लिए इन्फ्लेटर को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आगे से पीछे इतना लंबा वायर नहीं आएगा, गाड़ी ऑलमोस्ट 16 फीट लंबी है। तो ये सभी चीज़ें जो इंटीरियर में मिलती है, रोल केज आप देख सकते हैं, गाड़ी अगर कभी पलट जाए ऑफ रोडिंग में तो ये रोल केज जो है वो आपकी रूफ से लाइक कवर सपोर्ट करेंगे, और आपकी गाड़ी रोल केज होने के बावजूद भी जो अंदर के पैसेंजर्स हैं वो सेफ रहेंगे। तो ये सेफ्टी जो है वो रखी गई, और जब ये खुल जाती है, ऊपर का रूफ पूरा ओपन हो जाता है, तो रोल केज जो है वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलो अब इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं, गुड टू गो। गाड़ी काफ़ी हाइटेड है, तो लाइक जब भी अंदर बैठना है आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की होके चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ने के बाद में आपको काफ़ी ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर बैठे हो। ट्रक वाले भी जब साइड से निकलते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर, तो लाइक आप ऑलमोस्ट इतना ऊपर बैठते हो। कैमरे में आई डोंट नो ये जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बट रियल लाइफ में जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो इतना ऊपर आप बैठते हो, वो बहुत ही सही फील देता है। इसको पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हो, यहाँ पर नेट्स दी हुई हैं, कुछ अगर आपको लगाना है वो आप यहाँ लगा सकते हो। पूरा रगिड फील जो है वो सीट के ऊपर आप लोगों को मिलता है, और लेग स्पेस आप देख सकते हो मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, और नी रूम वगैरह में कहीं परेशानी नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्पेस जो है वो गाड़ी में मिल रहा है। हेडरूम भी यहाँ पर देख सकते हैं, हेडरूम भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लाइक मेरी हाइट तो 5'10" है, जो 6'2" है, 6'3" है, वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है वो बैठ जाएंगे। अब अंदर क्या कुछ मिलता है तो वो आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि बताने में आसानी होगी। अभी यहाँ पे आप लोगों को ये एसी वेंट्स मिलते हैं, जिससे मैं पूरे दिन जो है वो खेल सकता हूँ, और एसी वेंट को आप यहाँ से लाइक एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, आगे जो स्पीड में चल रहा है वही स्पीड यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ से आप विंडो रोल डाउन एंड रोल अप कर सकते हैं, ये सिस्टम आपने आई डोंट थिंक कि किसी और गाड़ी में देखा होगा कि यहाँ पर विंडो रोल डाउन एंड रोल अप का फंक्शन दिया हुआ है, डोर्स पे नहीं है, बिकॉज आप डोर्स हटा देंगे निकाल देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर एक 150 वॉट का सॉकेट दिया हुआ है, क्या आप अपना लैपटॉप वगैरह कुछ चार्ज करना है या कुछ ऐसा डिवाइस लगाना है, इन्फ्लेटर कुछ इस टाइप का ज़्यादा पावरफुल है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगेन ये चीज़ भी नेक्स्ट मैंने डिफेंडर के अंदर ही देखी थी। उसके बाद में नीचे आई डोंट थिंक और कुछ, ये कुछ पार्ट निकला हुआ पड़ा है, यहाँ पर अपना फोन लगा सकते हैं और यहाँ पर कुछ रखना है तो रख सकते हैं। पीछे वालों के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मिस है, वो इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, गेट्स पर नहीं मिल रही है, बॉटल होल्डर। सपोज आपने गेट्स निकाल दिए और बॉटल भी निकल के चले गई, तो आप अपनी बॉटल जो है वो यहाँ रख सकते हो, तो अगेन यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। और ये हैज़ अ लाइक कंप्लीट हेडरेस्ट के साथ में जो आर्मरेस्ट है वो नीचे आ जाता है, आप यहाँ पे आराम से हाथ रख के बैठ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको बंद कर दिया जाए, सारी थर्ड्स बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं सीट को डाउन करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इसका जो हेडरेस्ट है वो भी आप ऐसे ही डाउन कर सकते हैं, पहले आपको हेडरेस्ट डाउन करना है, उसके बाद में सीट को जो है वो डाउन करनी है। आ जाए यार, ओके, तो ये पूरी ही डाउन होगी। तो ये 40% वाला एरिया है, और ये जहाँ मैं बैठा हूँ वो ये 60% वाला एरिया है, और जो मैं बैठा हूँ वो 40% वाला एरिया है। तो 3-point सीट बेल्ट जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं, अगेन काफ़ी अच्छा स्पेस है। और अभी जब पूरा नीचे कर देंगे तो आई थिंक सबसे बेस्ट स्पेस जो है वो बनेगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा स्पेस जो है वो गाड़ी के अंदर क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं आगे और आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। ये भी मैं पूरे दिन कर सकता हूँ ऐसे। सब चीज़ें बहुत हैवी है, बहुत सॉलिड है। यहाँ पर स्पीकर्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर, टोटल 9 स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ पर LED लाइट है और यहाँ पर भी LED लाइट्स हैं, सारी आप ऐसे ऑन या ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं सिर्फ ऐसे टच करके। आगे चलते हैं। ओपन कर दिया, अब यहाँ पर जो स्विचेस मिलते हैं वो मिरर्स के इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल्स हैं। यहाँ से गेट आप ओपन करेंगे और लॉक अनलॉक आप यहाँ से करेंगे। साउंड बहुत अच्छा आता है, लेदर फिनिश और स्टिचिंग्स, यहाँ पर नेट दी हुई है। अभी इस तरफ अगर आप देखोगे तो कंप्लीट लेदर की सीट, पीछे भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, आगे भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, लंबा सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं सीट के लिए। अभी मैं अंदर बैठ जाता हूँ, एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ कि ये जो इंटीरियर है वो वॉशेबल है। लाइक आपके ये जो कंट्रोल्स हैं, सारे स्विचेज हैं, उनको आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हो अगर कहीं ऑफ रोडिंग में जा रहे हो ख़राब हो गए तो। और नीचे आप पानी से लाइक जो प्रॉपर स्प्रे होता है, वाटर का स्प्रे करते हैं, उससे आप इसको वॉश कर सकते हो और ड्रेन कर सकते हैं। ड्रेन प्लग जो है वो भी इस मैट्स के नीचे दिए हुए हैं। तो
तो उतना लेवल का अटेंशन जो है वो आप लोगों को गाड़ी देती है, और इतना सारा कंपनी ने ध्यान रखा है। एक चीज़ की कमी मेरे को लगी यहाँ पे, जो दो पैडल है उसके लिए लाइक यहाँ पर कोई डेड फुटरेस्ट नहीं है मेरे लेफ्ट वाले पैर के लिए, ये वाला पैर तो इधर उधर चलता रहता है। अब ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो मैं ऐसे पैर को सीधा नहीं रख पाता हूँ, मेरे को लाइक इस तरफ ऐसे टेढ़ा करके पैर को रख के थोड़ा सा बैठना पड़ता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो है वो फील होता है इस पर्टिकुलर पैर के लिए, लेफ्ट वाले पैर के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए स्पेस जो है वो मुझे थोड़ी कम फील हुई है। जो स्टेयरिंग है वो हाइट एंड रीच दोनों ही तरीके से एडजस्ट की जा सकती है। अभी आपको सबसे पहले मैं रूफ़ को ओपन करके बता देता हूँ कि रूफ़ आपको कैसे ओपन करनी है। यहाँ से इसको खोला, ये चीज़ खोल दी, इधर का भी खोल देते हैं, ओके, और ये बाहर, ओके। तो काफ़ी हेवी है, लाइक ऐसे रिस्क ले रहा हूँ मैं, बट ठीक है, इसको पीछे कर देता हूँ डायरेक्ट, ओके, आई डोंट थिंक अब ये गिरेंगे। और यहाँ से आप ऐसे जो है वो बाहर भी निकल सकते हो, तो लाइक मैं पैर नहीं रखने वाला सीट के ऊपर, बट ऐसे आप इस गाड़ी से बाहर निकल सकते हो और पूरी जो रूफ़ है उसको ओपन कर सकते हो, वापस नीचे आ जाते हैं। और वैसे ही ये वाला जो रूफ़ है ये भी पूरी पीछे तरीके से अच्छी तरीके से ओपन हो जाती है। अभी देख लेते हैं कि अंदर क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं आपको। इसको वापस अभी मैं बंद कर देता हूँ, धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, जब चलाएंगे तो इसको ओपन करके चलाएंगे कि कैसा फील जो है ये देता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाबी से, तो कुछ इस टाइप की चाबी मिलती है, लॉक और अनलॉक दो बटन मिलते हैं, दैट्स ऑल। चाबी काफ़ी प्रीमियम फील होती है, इसको अपन यहाँ पर रख सकते हैं, चाबी रखने की पर्टिकुलर जगह जो है वो दी हुई है, और दैट्स ऑल। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिलता है मैनुअली, दो गियर लीवर मिलते हैं यहाँ पर, 2H फोर व्हील ऑटो, फोर व्हील लाइक पार्ट टाइम, न्यूट्रल और फोर लो, ये सारे मोड्स मिलते हैं यहाँ पे आप लोगों को। ऑफ रोडिंग मोड, फ्रंट एंड रियर एक्सल आप लाइक जो लॉक कर सकते हैं डिफरेंशियल, और रियर वाला ओनली कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ रोडिंग मोड्स हैं, स्वे बार जो है वो आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें होता ये है कि गाड़ी का आर्टिकुलेशन जो है, सस्पेंशन है, वो ओपन हो जाता है, और इसको आपको अराउंड 18 की स्पीड या उससे कम की स्पीड पर चल रहे हैं तो ही आपको अनलॉक करके रखना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉक करके रखना चाहिए। यहाँ पर ये सिगरेट लाइटर दिया हुआ है, बाकी आप लोगों के लिए लाइक चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप अपना चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर विंडोज़ के रोल अप रोल डाउन करने के फीचर्स दिए गए हैं, और इसको लॉक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए मीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, लाइक छोटा सा ऑक्स टाइप सी और यूएसबी टाइप ए केबल लगा सकते हैं, ये फ़ोन रखने की जगह है, बट एक्चुअल में होता ये है कि आप जब ये पार्क में है तो आप फ़ोन यहाँ पर ऐसे रख नहीं सकते हैं, फ़ोन अंदर जाता नहीं है, फ़ोन आपको सिर्फ जो है वो ऐसे यहीं पर रखना पड़ता है। बोतल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ही रखनी पड़ेगी, और कोई जगह नहीं है बोतल रखने के लिए, दैट्स ऑल। ये गेयरबॉक्स है, इसके ऊपर जीप बना हुआ है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, ड्यूल जोन है यहाँ पे, और एसी के सारे वेंट्स, रेड कलर की फिनिश, रैंगलर यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा ही है, और अगेन ये सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है, स्टिचिंग्स दी हुई हैं। स्पीकर्स अगेन मैंने बता दिया टोटल 9 है नंबर्स में, इसको पकड़ के आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये सनवाइजर, और देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जो है वो मिल जाती है आपको, ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर भी अगेन लाइट मिल जाती है, और वैनिटी मिरर मिल जाता है, अगेन ये भी पकड़ने में काफ़ी छोटे हैं, सॉरी काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ पे साइज़ में ये काफ़ी छोटे हैं। तो आगे की तरफ तो आपका काम काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है, बिकॉज देख सकते हो स्टेयरिंग से इसमें ज़्यादा बड़ा जो गैप है वो है नहीं, तो अगेन यहाँ पे जो लाइक सब सामने से धूप आ रही है तो इजीली काम हो जाएगा, बट इधर से आ रही है तो फिर प्रॉब्लम होगी, लाइक मैं भी बताता हूँ, तो धूप तो मेरे पास में आ ही रही है, तो इसका कुछ काम जो है इस तरफ होता नहीं है। इसको भी बंद कर देते हैं और मैं आप लोगों को गाड़ी को ऑन करके बता देता हूँ। तो गाड़ी ऑन हो गई है, यहाँ पर जीप सिंस 1941 लिखा हुआ है, रैंगलर पुरानी वाली आती है, फिर उसके बाद में नई बनी हुई आती है। तो मैं अभी कैमरे के सामने से गायब हो जाता हूँ और आप लोगों को एक एक फीचर्स जो यहाँ पे क्या कुछ मिलते हैं वो बता देता हूँ। तो ये है स्टीयरिंग व्हील जो कि एडजस्टमेंट के साथ में आता है, लाइक पकड़ने में काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा मटेरियल यहाँ पर कंपनी ने यूज़ करा है। यहाँ पर जो सारे कंट्रोल्स हैं उससे आप MID एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल के मिलते हैं। जीप बीच में लिखा हुआ है, अगेन काफ़ी प्रीमियम अमेरिकन फील जो है वो इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को मिलती रहती है। डैशबोर्ड लेआउट सिर्फ रेड कलर होने के बावजूद भी काफ़ी बढ़िया जो है वो दिखाई दे रहा है। इस तरफ क्या कुछ फीचर्स हैं तो वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और आसपास की जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसको आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है वो, और यहाँ से हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको क्लोज करने पे जो थर्ड आती है भाई साहब उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया जाए। मैं स्टार्ट करता हूँ कार को, तो कार कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो जाती है और रैंगलर अंदर पुरानी वाली बनती है फिर नई वाली बनती है,
टायर के अंदर हवा ही बार बार कम हो रही है, आई डोंट नो कुछ तो इशू है, मैंने बार बार भरवाई है, स्टील ये बार बार कम हो जा रही है। लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर दिया हुआ है और कौन से मोड में आपकी गाड़ी चल रही है वो चीज़ आप लोगों को बताएगा, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। जैसे अभी ये 2H के अंदर लाइक आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है कि 2H है, 4H है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस तरफ दिखाई दे रही है। इस तरफ अगर आप आएंगे तो सारी MID है जिसको यहाँ से आप टॉगल करेंगे, और टॉगल करते हैं तो क्या कुछ फीचर्स आते हैं, तो स्पीडोमीटर डिजिटल दिया हुआ है, स्क्रीन सेटअप करना है तो वो आप कर सकते हैं, जिसके अंदर कई सारे लाइक ऊपर नीचे आगे पीछे आपको क्या कुछ फंक्शंस देखने हैं वो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑफ रोडिंग के मोड्स वहाँ पर आपको आते हैं, माइलेज कितना दे रही है गाड़ी वो आपको बताता है। हैज़ ऑफ नाउ माइलेज यहाँ पे 4-5 के आसपास आ रहा है, आप हाईवे पे चलेंगे तो 6 के आसपास मिल जाएगा, सिटी में आपको 3-4 के आसपास माइलेज जो है वो ये गाड़ी रिटर्न कर देती है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, लास्ट 23 किलोमीटर के अंदर 4.4 का माइलेज मुझे मिला है, स्टार्ट स्टॉप कैबिन रेडी म्यूजिक सिस्टम, अगर कोई म्यूजिक आपका इन्फोटेनमेंट में एप्पल कार एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट है तो वो यहाँ पर आपको बता देता है। दैट्स ऑल, ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, और PRND यानी कि किस गियर में गाड़ी है वो सब चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बताएगा। नीचे ऑडोमीटर है राइट साइड में, फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है वो बताएगा जो कि बहुत जल्दी कम हो जाता है। राइट साइड में स्पीडोमीटर जो है वो दिया हुआ है, हैंड ब्रेक की वार्निंग यहाँ पर आ रही है। दैट्स ऑल, इस तरफ देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। तो 8.4 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, UI काफ़ी ईजी है, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सेटिंग्स वगैरह आपको करना है वो आप इजीली यहां से कर सकते हैं, कौन कौन से पेजेस आपको देखना है वो आप यहां से देख सकते हैं। देन उसके बाद में एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको वायर्ड मिलता है यहां पे, उसके अलावा आपको ये ऑफ रोडिंग का पेज मिल जाता है जिसमें कई सारे फीचर्स जो हैं वो यहां पर बताता है। ड्राइव ट्रेन आपको सेलेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट है या नहीं है, स्वे बार, फ्रंट एक्सल, रियल एक्सल, वो सब चीज़ें, ट्रांसफर केस कहाँ में गाड़ी डली हुई है वो बताता है, और आपका आर्टिकुलेशन वगैरह गाड़ी का लाइक किस तरफ आपकी गाड़ी कितनी रोल हुई है वो सब चीज़ें यहाँ पर बताता है। दैट्स ऑल, नेविगेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सेटिंग्स यहाँ पर है, मीडिया के कंट्रोल्स हैं, 9 स्पीकर्स हैं, तो ईजिली आपका काम जो है बन जाता है, बट इसको थोड़ा सा और कंपनी बेटर बना सकती है। इसमें अब ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं, बिकॉज वाइपर आप निकाल सकते हैं, इस ग्लास को भी डाउन कर सकते हैं, और इस ग्लास को डाउन करने के लिए पर्टिकुलरली गाड़ी के बाहर जो है एक फीचर कंपनी ने दिया है, दैट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप जैसे इस ग्लास को डाउन करते हैं तो जो आपका ये ग्लास है, इस ग्लास को आप डाउन करेंगे तो वो ग्लास जो है वो यहाँ पर इस तरफ रेस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स ऑल। बाकी ये जो है वो फैक वेंट्स दिए हुए हैं, इसको भी आप इजीली यहाँ से एक स्क्रू खोल के जो है निकाल सकते हैं ताकि आप ग्लास को जो है वो ईजिली बाहर निकाल पाएँ। सो ये है जीप रैंगलर रूबीकॉन, चलते हैं चला के देखते हैं कि चलाने में कार कैसी फील होती है। तो चलिए चला के देखते हैं कि चलाने में रैंगलर रूबीकॉन कैसी फील होती है। एक चीज़ और अभी लाइक जो हुआ लाइफ में आपको बता देता हूँ, अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ भी है ठीक है, और अगर आपने गाड़ी को चलाना चालू करा आपको पता भी नहीं चलेगा कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं, मतलब लाइक अदरवाइज क्या होता है आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट करते हो ये चलने लग जाती है, तो वो चीज़ लाइक आप समझ जाओ कि कितना तगड़ा पावर जो है वो इसका इंजन आपको देता है। और कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे वो फॉर्चुनर में हो, एंडेवर में हो, कि इस गाड़ी को देख के नहीं जाए। ये फॉर्चुनर वाला पीछे से देख रहा था, देखता मेरे सबसे पहले फॉर्चुनर याद आई। तो जो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की आप लोगों को मिलती है, आई डोंट थिंक कि 70 लाख रुपए खर्च करके कोई और गाड़ी आपको ऐसी रोड प्रेजेंस दे सकती है। कमाल की रोड प्रेजेंस है, जहाँ से गाड़ी निकलती है सब लोग मुड़ के इसको देखते हैं। चलिए अभी गाड़ी हाईवे पे कैसी परफॉर्म करती है उसके बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा सिटी में एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी लास्ट में थोड़ा बहुत जो ऑफ रोडिंग में कर पाया हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग है उसकी सेपरेट वीडियो आएगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। सबसे पहले व्यूइंग एंगल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस कार का। आप इतने हाइटेड बैठते हो कि आपको इस तरफ से, आगे से, यहाँ पे ORVM है, साइड से, सभी जगह प्रॉपर तरीके से व्यू मिल जाता है। ये जो ग्लास है इसको आगे आप देखते हैं तो बोनेट आपको ऑलमोस्ट पूरा ही दिखता है यहाँ पे, ठीक है। आप इतनी अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे हो, ORVM काफ़ी बड़े हैं तो पीछे आपको गाड़ी भी दिखती है और रोड जो है उसका भी व्यू अच्छा मिल जाता है, और उधर से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो मिल जाता है, तो कोई परेशानी आपको हैज एन सच व्यूइंग एंगल से रिलेटेड नहीं आने वाली है। और आपकी सीट की हाइट भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, तो अगेन ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है कि लाइक सीट आपको एडजस्टमेंट के साथ में मिलती है। साथ में यहाँ पर सन आ गया है तो ये सनब्लाइंड जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ की कमी मेरे को खली है। लाइक आगे की तरफ ये बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं, लाइक ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाते हैं, तो आपको ऐसे नीचे कभी झुक के भी चलाना पड़ सकता है। अगर आप ऐसे नीचे चला रहे हो तो फिर आपको ऐसे देख के चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे दिखेगा नहीं, तो आगे व्यू ब्लाइंड कर रहे हैं, या तो आप सीट फिर नीचे करके बैठो और स्टेयरिंग को भी पूरा नीचे डाउन करो। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो बनाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, या इसका जो वर्किंग है वो बेटर हो सकती है। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी कैसी है, तो सभी चीज़ें रीच में है। लाइक ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, बट जो बॉडी है वो बाहर असेंबल होकर आती है, लाइक असेंबल यहाँ होती है, बाहर बन के आती है। CKD है ये, कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट के तहत यहाँ पर आती है और यहाँ पर पूरी बनाई जाती है। अभी जो चीज़ आपको यहाँ पर फील हो रही है वो हो रही होगी इसका जो साउंड है टायर का,
वो अंदर केबिन में आ रहा है। तो NVH के मामले में नॉइज जो है वो बाहर से सिर्फ और सिर्फ एक ही आती है, रोड नॉइज, जो आपके टायर से निकल के आती है, ऑल टेरेन टायर्स, और टायर्स काफ़ी बड़े हैं, दैट्स व्हाई। बाकी अगर आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो, लाइक ट्रिपल डिजिट पे चल रहे हो, तो यहाँ से थोड़ा सा हवा आपको जो ब्लास्ट होती है, जो विंड ब्लास्ट होती है, वो आपको यहाँ से जो कट के जाती है वो सुनाई देती है। बाकी जो मिरर्स हैं वो काफ़ी बाहर है और काफ़ी बड़े हैं, तो वो जो लाइक आपको थोड़ा सा सुनाई में देगा विंड ब्लास्ट, दैट्स ऑल। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करके देखता हूँ। ओके, और मैंने एक्सेलरेट करा गाड़ी को, क्या शानदार एक्सेलरेट होती है यार, लिटरली मज़ा आ जाता है। और इस एक्सेलरेशन को करते करते मैं आपको राइट नाउ रियल टाइम माइलेज जो है वो बता देता हूँ कि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। तो अभी अगर मैं 120 पे चला रहा हूँ, लाइट फुट चला रहा हूँ, तो डबल डिजिट में माइलेज मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है। आई नो कि माइलेज मिलेगा बहुत कम, बट रियल टाइम माइलेज जो मेरा ये था कि वो 4 किलोमीटर पर लीटर, 5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मुझे मिल रहा था। बट फिर भी अगर आप अच्छे से चलाते हो तो डेफिनेटली कार आपको 9-10 km/h के आसपास में रिटर्न कर सकती है, अगर आप 80-100 के आसपास चलाते हो, लाइट फुट चलाते हो। तो ब्रेकिंग्स आपको पहले से प्री प्लान करनी पड़ेगी। ब्रेक्स पे आप लाइक एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रहना कि आप 120 कर रहे हो और आप इस गाड़ी को रोक लोगे। गाड़ी का साइज़ आप लोगों को ध्यान में रख के ही इस गाड़ी के ब्रेक्स जो है वो प्लान करने पड़ेंगे। बट अगर 80 की स्पीड या 70 की स्पीड पे होती है तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि जहाँ पर मैं ब्रेक मारूंगा उससे थोड़ी सी आगे जाएगी और गाड़ी रुक जाएगी। मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है बिकॉज आगे और पीछे दोनों ही आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी का गेयरबॉक्स जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर गेयरबॉक्स के मामले में अगेन कोई भी शिफ्टिंग आपको ये पता नहीं चलने देती है कि लाइक आपको फर्स्ट गियर में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। 8 स्पीड टॉक कन्वर्टर के साथ में गाड़ी आप लोगों को मिलती है, एंड ना अपशिफ्ट ना डाउनशिफ्ट, कोई भी आपको एज एन सच फील नहीं होती है। बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है बिकॉज ये स्पोर्ट्स कार नहीं है। तो अगर आप इससे परफॉर्मेंस लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस गियरबॉक्स से आपको परफॉर्मेंस मिले, उस टाइप की शिफ्टिंग मिले, तो वैसा नहीं है। इसको ट्यूनअप इस हिसाब से किया गया है कि गाड़ी एकदम कामली चले और आपको जितना हो सकता है रिलैक्स पोजिशन पर रख पाए, ज़्यादा इंजन साउंड जो है वो अंदर केबिन में इंसुलेट होकर ना आए, एंड आपको एक अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी देने की कोशिश करता है इंजन। जब आप स्लो स्पीड पे हो तो तब डेफिनेटली ये डाउनशिफ्ट फास्ट करता है और थोड़ा सा मतलब लाइक एग्रेसिवली ट्यूनिंग जो है वो ये करता है। हॉर्न काफ़ी अच्छा है, विंड टोन हॉर्न जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। और जब टर्निंग रेडियस की बात आती है तो मैं आपको एक बार टर्न रह के भी हाथों हाथ बता देता हूँ कि इतनी बड़ी गाड़ी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसको लेके कैसे निकलते हो। लाइक मेरे को 2-3 लोगों ने रुकवा के पूछा भी है कि प्राइस क्या है, कितने की आती है, इंडिया से है कि लाइक मिलती है कि इम्पोर्ट करवाई है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, लोगों को पता भी नहीं है रैंगलर के बारे में बहुत सारे लोगों को। और एक्चुअली क्या है कि आगे से तार जैसी दिखती है बट साइड में से जब लोग देखते हैं कि यार इतनी बड़ी गाड़ी, तो फिर लोगों को लगता है कि कुछ तो अलग है। फिर उनको बताता हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो लिटरली वो लोग एक फ़ोटो ले लेते हैं अंदर से, एक बार झांक के देख लें कैसी है ये वो। और लिटरली ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, लोग इतना फुटेज जो है वो इसको देते हैं, इतना फुटेज इसको रोड पे मिल जाता है। तो चलती फिरती सेलिब्रिटी अगर आपको परचेज करनी है तो आप जो है इस गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। अब इस इंजन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। अब अगेन V6 या V8 होता तो मज़ा आता, बट जो नॉर्म्स इंडिया में हो गए हैं कि टैक्सेस आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे कंपनीज को जब आप बड़े इंजन दोगे, तो उस वजह से इसके अंदर 2 लीटर का पेट्रोल इंजन डाला गया है। और ये जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, अगेन 268 हॉर्स पावर, 400 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो काफ़ी अच्छा पावर आउटपुट जो है वो ये इंजन निकालता है, एंड कोई कमी जो है इसके पावर में मुझे कहीं पर भी राइट नाउ, अभी ये आज मेरा 7th day मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, शायद नहीं 6th day मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक दिन तो मैंने इसको यूज़ नहीं करी थी, वो ऐसे ही ब्लैंक पड़ी थी बिकॉज मैं दूसरे शूट में बिजी था। तो 6 दिन हो गए चलाते चलाते, ऑलमोस्ट सारी टेरेन्स पे चला चुका हूँ, बस बर्फ नहीं मिला है। कहीं आसपास बर्फ होती तो मैं वहाँ पर भी चले जाता इसको लेके एक्सप्लोर करने के लिए। कहीं पर भी इस गाड़ी को कोई परेशानी नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग, हर जगह ये कार काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अब मैं चलाते चलाते आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग से रिलेटेड बता देता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें इसमें आपको मिलती है। अभी ये 2-व्हील ड्राइव में, ठीक है, 2H पे, तो इसमें रियर व्हील ड्राइव वर्क कर रहे हैं, आगे वाले व्हील में पावर्स नहीं सप्लाई हो रही है। फिर आता है 4-व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, लाइक जहाँ पर पावर देनी होती है वो उसके अकॉर्डिंगली पावर जो है वो ट्रांसमिट करते रहते हैं। फिर उसके बाद में 4-व्हील पार्ट टाइम का ऑप्शन आता है, आपको फिर मिल जाता है 4-व्हील लो। तो 4 लो का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, उसमें 4:1 का रेशो है। गाड़ी 1 km/h की स्पीड से क्रॉल करती है और हर एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते हुए निकल जाती है एक की स्पीड पे। उसमें भी RPM काफ़ी अच्छे नंबर्स पे होते हैं, इतना बढ़िया क्रॉलिंग रेशो,
मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में किसी और गाड़ी में, जितनी भी मैंने चलाई हैं। हम बोल सकते हैं कि लाइक थोड़ा और जो ऊपर 1 करोड़ से ऊपर के बजट पे जाते हैं तो कुछ ऑफ रोडर्स ऐसे आते हैं कि जिनका रेशो ऑलमोस्ट इतना है या उससे थोड़ा सा बेटर जो है आरबीएम के मामले में हो जाता है, बट अगेन 70 लाख रुपीज़ में इतना बढ़िया क्रॉलिंग रेशो आपको लो एंड पे नहीं मिल सकता। तो एक की स्पीड पे आप हर एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते हुए इस गाड़ी के साथ में निकल सकते हैं। थार में भी आपको मैंने बताया था कि उसमें भी रेशो काफ़ी अच्छा है, आप पैदल चल सकते हो गाड़ी के साथ में, बट वो स्पीड में चलती है, एक ही स्पीड में चलती रहती है, आगे आप बड़ा पत्थर रख दो कुछ भी रख दो उस स्पीड से ये निकल जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं। स्वे बार आप इसके अंदर डिस्कनेक्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा आर्टिकुलेशन अगर आपको चाहिए फ्रंट व्हील्स की वो 18 किलोमीटर पर आर या उससे नीचे की स्पीड पे होगा। डेफिनेटली अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आप 2-3-4 की स्पीड पे चलोगे मैक्स, दैट्स ऑल। उससे ऊपर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि उसको आप वापस से लगा दो, अगर आपने उसको ऑन कर रखा है फीचर तो उसको ऑफ कर दो। रीज़न ये है कि वहाँ पर फिर बॉडी रोल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो बेटर है कि स्वे बार का आप अच्छी तरीके से यूज़ करें अगर आपको आता है तो। ऑफ रोड प्लस मोड यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, रियर ओनली डिफरेंशियल लॉक जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाता है। बट हाँ, अगर आपको मोड चेंज करना है तो फिर आपको न्यूट्रल में डाल के जो है वो करना पड़ता है, ये एक चीज़ है, दैट्स ऑल। बाकी यहाँ पर ऑफ रोडिंग का जो डिस्प्ले वो काफ़ी अच्छा आता है और कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को बता देता है। लास्ट में आप लोगों को ऑफ रोडिंग के सारे शॉट्स जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करा है एक ही ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे हर कोई गाड़ी नहीं निकल पाती है, सिर्फ जो बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं या जेसीबी वगैरह होती है वो निकलती है, वहाँ पर मैं इसको लेके गया। कहीं पर गाड़ी से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आई है, सिर्फ एक ही जगह जो ब्रेक ओवर एंगल है इसका 20 डिग्री के आसपास है, वहाँ पर नीचे से गाड़ी थोड़ी सी लगी थी, बट अगेन गाड़ी नीचे से पूरी प्रोटेक्टेड है, सारी कंप्लीट आर्मर्स जो हैं वो नीचे लगाए गए हैं ताकि आप कितनी भी हार्डकोर ऑफ रोडिंग में चले जाओ गाड़ी अगर लग भी जाती है तो गाड़ी की बॉडी को या गाड़ी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन्हें कोई डैमेज जो है वो नहीं होता है। और अभी हेज ऑफ नाउ जब मैं रोड्स पे चला रहा हूँ तो ये शौक वाली बात हो जाती है, अगर आपको पसंद इतनी बड़ी गाड़ी चलाना तो ही आप इसको लेके चलेंगे, चलाना पसंद करेंगे, अदर देन फिर आपको यही लगेगा कि ये जो प्रॉपर पूरा कंप्लीट प्लेन रोड्स पे भी इसका जो मूवमेंट शो होता है वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगी। दूसरा, आपके जो रोड पे टायर के नॉइज जो आ रहा है रोड की वजह से वो आपको कंप्लीट केबिन में सुनना मिलेगा, तो उसको आप डिस्ट्रैक्शन को हटाने की वजह से आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, इसका 9 स्पीकर का साउंड सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं आप ऑडियो जो है वो चला के रखो, और या कोई आसपास आपके बैठा है दोस्त वोस्त हैं तो उनसे बात करते रहो। अदरवाइज़ फिर ये लंबे सफ़र पे अगर आप जाओगे, लंबे टूर पे जाओगे तो ये जो टायर नॉइज़ है आपको परेशान कर देंगे, तो फिर आपको या तो टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। ये सभी चीज़ें हैं। स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग इतनी बड़ी गाड़ी का इतना सही है, यहाँ पर वेट है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा ये फ्री प्ले है इसके अंदर, ये देख सकते हो यहाँ पर ये आप लोगों को फ्री प्ले मिल जाता है स्टेयरिंग में, बट अगेन अगर मेरे को टर्न करना है इधर या उधर होना है, अभी मेरे इधर भी गाड़ी मैं अभी आपको हो के नहीं बता सकता हूँ फॉर द सेफ्टी रीज़न, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसको टर्न कर रहे हो, मेरे को ऐसा है कि मेरी सोसाइटी में मैंने इसको एक बार ऐसे अंदर ही पार्किंग में टर्न करने की कोशिश करी कि अगर मेरे को शॉर्ट स्पेस में टर्न करना है, अगेन कोई परेशानी नहीं आई, ईजिली स्टेयरिंग जो है वो बहुत ही ईजिली मनूवर करने के लिए पूरा आपको ऑप्शन देती है कि हाँ आपको जो करना है आप करो। और जब मेरे को पावर चाहिए तो ये इंजन 2 लीटर का सफिशियंट पावर आउटपुट देता है और 100 की स्पीड ये ऑलमोस्ट 9 सेकंड के आसपास में जो है वो कर लेता है, तो अगेन लॉन्चिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पीछे वाले व्हील जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रोटेट करते हैं जब आप एकदम लॉन्च करते हो गाड़ी को, और ये ऐसे गोल भी घूम सकती है, तो ये एक ऐसी स्पोर्ट्स SUV आप इसको बोल सकते हो जिसको आप ऐसे पूरा कंप्लीट ड्रिफ्ट करवाना चाहो तो वो भी आप इससे करवा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। एडास इसके अंदर नहीं है और ना आ सकता है, रीज़न ये है कि यहाँ पर सारे सेंसर्स होते हैं, ये विंडो जो है वो पूरी ऐसे नीचे फोल्ड हो जाती है तो वो सारे सेंसर्स वगैरह इसमें दे नहीं सकते हैं। ऊपर आपका जो ये रूफ है वो पूरा फाइबर पैनल है, तो सेफ्टी रेटिंग जो है वो भी इसकी कम आई है, तो सेफ्टी आपको ये रोल किट से मिलती है, बाकी आपको फ्रंट एंड साइड एयरबैग्स मिल जाती हैं, EBS CVT वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है, ट्रेल रेटिंग आपको मिलती है, यहाँ पर जो बैजिंग मिलती है बाहर की तरफ फेंडर पे वो सिर्फ और सिर्फ उन कारों को मिलती है जो कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग जो है वो कर सकती है, जो गाड़ियाँ कैपेबल होती है सिर्फ उन्हें वो बैज जो है वो मिलता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी है, सारे फीचर्स आप लोगों को जो मैंने बताया पसंद आए, जीप रैंगलर का ये प्रैक्टिकल रिव्यू पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दो। मैंने तो अब जो है थोड़ा सा सिटी में चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल सकता है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रैफिक वगैरह में आप इसको चलाते हो तो कैसा आपको ये फील करवाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये कि माइलेज बहुत कम मिलता है ट्रैफिक में,
तो इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज ये गाड़ी एरोडायनामिकली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि माइलेज आपको ज्यादा बढ़िया दे। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ है कि कमांडिंग पोजीशन है, आगे से पीछे तक आपको गाड़ी पूरी दिखती है, तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप सपोज सोच रहे हो कि आप वैगनआर चला रहे हो और उसके बाद में आप इसको चलाओगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर एटलीस्ट आदत है आप स्कॉर्पियो एक्सयूवी 500 चला रहे हो, देन आपके लिए ऐसा लगेगा कि हाँ आप उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की गाड़ी चला रहे हो, तो आप धीरे धीरे जो है एक दो दिन में यूज टू हो जाओगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा छोटी गाड़ी से इसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, क्रेटा से भी अगर शिफ्ट कर रहे हो, तब भी इसकी पोजीशन और उसकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बेटर अगर आप लाइक टेस्ट राइड वगैरह लो, समझो इसको, बट एक बार जब इसको चला लोगे ना, तो फिर आई डोंट थिंक कि इससे बेस्ट मैनेजेबल कार कोई सिटी में है। बिकॉज हाँ, पतली गलियों में लेके जाना सेंस नहीं बनता, बट इस टाइप की जो रोड्स हैं, नॉर्मल मूविंग ट्रैफिक वगैरह है, वहाँ पर आप चला सकते हो। थोड़े बहुत फेंडर्स बाहर हैं, उनका आपको अंदाज़ा बिठाना पड़ेगा, बट अगर एक बार कर लोगे तो हो जाएगा काम। इस गाड़ी के हिसाब से बॉडी रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो मैं बॉडी रोल की कंप्लेन ही नहीं करूँगा। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर ये जीप रैंगलर रूबीकॉन का आपको रिव्यू अच्छा लगा है इन डेप्थ, और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपके लिए वो सारी वीडियोस लेके आऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंटिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।